हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल एट द रेट 21 में। आज की इस वीडियो में हम अगेन 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके आगामी DRDO का एग्ज़ाम होने वाला है सेप्टम 10 का, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो में हम निमिक के बुक से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और यह इस सीरीज़ का हमने जो DRDO की सीरीज चला रखी है, उस सीरीज़ का यह पार्ट 27 है। इसके पहले हमने बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया हुआ है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप पहले उन वीडियोज़ को देखें, आपको उन वीडियोज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, टिन बेस व्हाइट मेटल को बेबिट मेटल कहते हैं, यानी कि जो व्हाइट मेटल टिन बेस हो उसको हम बेबिट मेटल भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। जो आपके व्हाइट मेटल होते हैं, ये आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लेड बेस और दूसरा होता है टिन बेस। तो जो टिन बेस व्हाइट मेटल होता है उसको ही हम बेबिट मेटल कहते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिन बेस व्हाइट मेटल को कहते हैं, तो आपका आंसर होगा बेबिट मेटल। या दूसरे प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाइट मेटल को क्या कहते हैं, तो व्हाइट मेटल को ही हम आप क्या कह सकते हैं, बेबिट मेटल भी कह सकते हैं। या व्हाइट मेटल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप कहेंगे कि या दो प्रकार के होते हैं, एक टिन बेस्ड और एक होता है लेड बेस्ड। तो ये आपको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, रिवेट के आकार को अंतिम रूप देने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। पुनः एक बार आपको क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, रिवेट के आकार को अंतिम रूप देने के लिए रिवेट स्नैप का प्रयोग करते हैं। तो रिवेट स्नैप एक प्रकार का टूल्स होता है, जो का आपका रिवेटिंग शॉप में, जैसे कि आपका सीट मेटल शॉप में प्रयोग किया जाता है, जिसे आपको क्या करते हैं, रिवेट के आकार को हम अंतिम रूप देते हैं। रिवेट से संबंधित कई सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछता है कि डॉली, ठीक है, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो कि पूछता है, डॉली का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो रिवेट के हेड को जो है सहारा देने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जो है हम डॉली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या आप इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फैक्ट्री हेड को प्रोटेक्शन देने के लिए, फैक्ट्री हेड को सुरक्षा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका आंसर यह होगा कि डॉली। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और एक होता है रिवेट सेट, ये यहाँ पे है रिवेट स्नैप, और एक होता है तो रिवेट सेट का प्रयोग जो होता है, आपका दो सीटों को आपस में एक साथ जोड़ने के लिए, यानी कि दो सीटों को आपस में पास लाने के लिए हम क्या करते हैं, रिवेट सेट का प्रयोग करते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और रिवेटिंग के लिए जो है हम बॉल पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, रिवेट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे अगर इससे संबंधित, तो हम वहाँ पर भी इसका डिस्कशन करेंगे। बाकी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर का, स्क्वायर में लगाई गई रिवेट को चेन रिवेटिंग कहते हैं। तो रिवेटिंग आपकी कई प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे एक स्क्वायर टाइप में जैसे कि रिवेटिंग की गई हो, उसको हम चेन रिवेटिंग कहते हैं। और जहाँ पे आपकी जो है एक ट्रेंगुलर आकार में आपकी रिवेटिंग की गई हो, उसको हम जो है जिग जैग रिवेटिंग कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का, पुली को शाफ्ट के साथ पकड़ने के लिए टेपर पिन का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि आपकी पुली है और उसको शाफ्ट के साथ जोड़ने के लिए हम पिन का की या पिन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि पुली को शाफ्ट के साथ पकड़ने के लिए टेपर पिन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि टेपर पिन का अनुपात क्या होता है। तो टेपर पिन का अनुपात होता है 1:50, यानी कि 1:50 आपका होता है टेपर पिन का अनुपात। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपको रिलेटेड याद रखना है टेपर पिन से, और इसका प्रयोग जो है पुली को शाफ्ट के साथ पकड़ने के लिए करते हैं। ये आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मैलेकाइट कापर का एस्क है। तो ये क्वेश्चन आपसे, ये थोड़ा सा आपको जैसे कि ये ऐसा कुछ आपको लग रहा होगा कि अनकॉमन क्वेश्चन है, ये आपको पहली बार देखने को मिला होगा, मैलेकाइट। ठीक है, तो आपने पाइराइट का नाम सुना होगा। ठीक है, तो आप तो इससे अच्छी प्रकार से परिचित होंगे कि पाइराइट क्या है। तो जो आपका पाइराइट है वो किसका एस्क है, कापर का एस्क होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में यहाँ से पूछ सकता है कि कापर का एस्क है पाइराइट, ठीक है, या मैलेकाइट, तो वहाँ पे आपको वो प्रेफरेंस देना है मैलेकाइट को, क्योंकि मैलेकाइट में
पेराइड की अपेक्षा अधिक मात्रा से कापर मिलता है। मैलिक एसिड के द्वारा हम 55% तक की कापर जो है निकालते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट करते हैं या प्राप्त करते हैं, जबकि पेराइड के द्वारा हम 32% तक की कापर आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी ऐसे होते हैं जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ठीक है, तो और बक्साइट, ठीक है। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट आपके आयरन ओर है यानी कि लोहे के एस्क हैं, जबकि बक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का एस्क है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ये, क्योंकि ये एस्क से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एस्क क्या होता है? तो ये एक प्रकार का धातु का अशुद्ध रूप होता है जिसको हम आफ्टर प्यूरिफिकेशन उसको हम मेटल का रूप देते हैं, शुद्ध रूप जिससे हम पदार्थ प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस जैसे कि आपको मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है, ठीक है, ये आपका यह जो है आपके आयरन अयस्क है, इसके द्वारा इसको स्मेल्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम विभिन्न प्रकार से प्रक्रमणों को पार करके हम इसे अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग क्वालिटी के जो है हम आयरन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अशुद्ध लोहा होता है वह पिग आयरन होता है, जबकि जो सबसे शुद्ध लोहा होता है वो आपका रॉट आयरन होता है, ये इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, उद्योगों में सबसे अधिक वी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडस्ट्रीज में जो है सबसे अधिक हम वी बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वी बेल्ट में जो है स्लिपिंग का चांस वगैरह नहीं रहता है, और ठीक है, तो ये आपको याद रखेंगे कि वी बेल्ट का प्रयोग हम उद्योगों में अधिक करते हैं, और क्यों करते हैं? क्योंकि इससे स्लिपेज का चांस नहीं होता है, स्लिपिंग होने की वजह से हमारा पावर लॉस होता है, ठीक है। तो और स्लिपिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्लिपिंग को कम करने के लिए हम रेजिन का प्रयोग करते हैं ताकि बेल्ट को आपकी स्लिपिंग से रोका जा सके, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपकी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टील की तुलना में एल्युमिनियम का घनत्व लगभग 1/3 होता है, तो यानी कि हम कंपेयर करें स्टील और एल्युमिनियम में, तो एल्युमिनियम क्या होता है आपका, आपको जैसे कि आपको पता है कि एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का होता है। तो इसी प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर भार नहीं देकर के उसका घनत्व दिया है। तो किसी भी धातु का घनत्व जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक क्या होगी, भारी होगी, और जिस धातु का घनत्व जितना कम होगा वह उतनी ही हल्की होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि स्टील की तुलना में एल्युमिनियम का घनत्व लगभग 1/3 होता है, यानी कि स्टील का घनत्व 30 है तो एल्युमिनियम का घनत्व कितना होगा, 10 होगा। इस प्रकार से आप उसको जो है रिलेट कर सकते हैं, उसका अनुपात निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जिस वस्तु पर यहाँ पर वैद्युत इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, आप यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी कि वैद्युत लेपन करना होता है उसे सब स्टेट कहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है जिससे धातु की भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक जो है उसका जो है गुण बदला जा सकता है। एक बार पुनः आपको बता दें कि जिस वस्तु पर यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, इसको एडजस्ट करिएगा, कि जिस वस्तु पर विद्युत लेपन जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं करना होता है उसे सब स्टेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, सब स्टेट। जिस धातु पे हमें क्या करनी हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, उसको हम क्या कहेंगे, सब स्टेट कहेंगे। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है धातु की भौतिक, रासायनिक और यांत्रिक गुणों को बदलने के लिए, उसके या उसको सुधार करने के लिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा आपकी धातु की जो है आपका अपीयरेंस, मतलब कि उसकी उसका क्या कहते हैं फ्रिक्शन, मतलब कि घर्षण, ये क्या होता है आपका रेजिस्टेंस, ये सब चार उसके क्या होते हैं, बदल जाते हैं, इतना आपको याद रखना है। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध, ये सारे उसके क्या होते हैं, बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पेपर मिल्स में रबर बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपसे ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है और आगे भी हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो, इसलिए आपको याद रखना है कि पेपर मिल्स में हम रबर बेल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बेल्ट से संबंधित बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आपका पूछता है कि कौन सा बेल्ट जो है गीली या एसिडिटी को सहन कर सकता है, ठीक है, यानी कि अम्लीयता को सहन करने वाला बेल्ट कौन सा है, जो गीली दिशाओं में भी प्रयोग किया जाता है वो बेल्ट कौन सा है। तो वहाँ पर आप याद रखें कि ब्लाटा बेल्ट जो है आपका, ठीक है, इन दोनों के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, चाहे एसिडिटी की कंडीशन हो या आपकी गीली कंडीशन हो, ठीक है, यानी कि गीली दशा हो या जहाँ पे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो वहाँ पे हम ब्लाटा बेल्ट का प्रयोग करते हैं। बेल्ट जो है अलग अलग आपके पदार्थ से बनाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की तरफ जाएंगे तो आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा एक क्वेश्चन से संबंधित 3-4 पॉइंट आपको बता करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, और आगे भी असरी जारी रहेगी, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन और नॉट ओनली 25 एक वीडियो में, एक आई थिंक मोर देन आपके 50 क्वेश्चंस
हम डेली डिस्कशन करते हैं। तो इस प्रकार से यह सीरीज अगर हमारी 100 क्वेश्चन सीरीज होती है हिडन पार्ट की, तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो यह मोर आपके किसी भी एग्जाम के लिए मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। तो आप केवल चैनल से जुड़े रहें और यहाँ आपको आपको और जो क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी भी यूट्यूबर है, कोई भी टीचर हैं या कोई भी गाइडेंस जो आपके किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए गाइड आपको करता है, तो आपकी आपको केवल एक ही चीज़ बताई जाती है, एक ही बात बताते हैं सब लोग कि आप क्या करें, अपनी तैयारी को जो है नीमी की बुक से, मतलब अपनी तैयारी जो है नीमी की बुक से करें। इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, हेल्प होती है, ठीक है। क्योंकि नीमी जो है गवर्नमेंट ऑथराइज बुक्स है और इसके द्वारा अब इसकी तो प्रिंटिंग भी बंद हो गई है, ठीक है। बट हार्डली हमने इसको हम मंगवाया है, ठीक है। तो इस वजह से हम आप लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं और आगे भी इस प्रकार की आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आप प्लीज़ चैनल से बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। और कंटेंट में हम कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपके जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे नीमी की बुक से ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका टाइम खराब ना करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। कपलिंग का मुख्य उद्देश्य घूमने वाले उपकरणों के दो भागों को जोड़ना होता है। तो जो कपलिंग होती है और इसका दो इसका जो मुख्य कार्य होता है यानी मेन जो फंक्शन होता है, यह दो मूविंग पार्ट्स को क्या करना होता है, जोड़ना होता है, ठीक है। यहाँ पे कपलिंग और क्लच, ठीक है, इसका दो ही क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो कपलिंग का उद्देश्य होता है मूविंग पार्ट्स को, दो पार्ट्स को आपस में जोड़ना, ठीक है। जबकि क्लच का होता है दो पार्ट्स को जोड़ना, जबकि वो किस कंडीशन में हो, रेस्ट कंडीशन में हो यानी कि स्थिर की अवस्था में हो। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कपलिंग का प्रयोग कहाँ पर होता है और रेस्ट का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो कपलिंग का उद्देश्य करते हैं जब क्या हो, सॉरी, कपलिंग का उद्देश्य करते हैं जब पार्ट्स आपके क्या हो, स्टेबल कंडीशन हो यानी कि स्थिर अवस्था में हो। जबकि आपका क्लच का प्रयोग करते हैं आपके जब पार्ट्स आपके क्या हो, मूविंग कंडीशन में हो, ठीक है, यानी कि रनिंग कंडीशन में हो। तो आप यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन है, स्लीव एम ऑफ कपलिंग को खोखली शाफ्ट के रूप में डिजाइन किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करके रखिएगा प्लीज़, कि स्लीव एम ऑफ कपलिंग को हम खोखली शाफ्ट के रूप में डिजाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सोर स्क्लेरोस्कोप या टेस्ट डायमंड टिप्ड वाले हैमर से तैयार किया जाता है। तो सोर जो है स्क्लेरोस्कोप, ठीक है, यह एक प्रकार का सरफेस टेस्ट की एक विधि है, जिसमें हम क्या करते हैं, डायमंड टिप्ड वाले हैमर का प्रयोग करते हैं और इस हैमर को जो है एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर की तरफ सरफेस के ऊपर गिराते हैं और उसके बाद जो उसके ऊपर जो उसे हैमर से जो आपका क्या बोलता है, जो आपका गड्ढा बनता है सरफेस के ऊपर, उसके बाद उसकी हम माप लेते हैं और उसकी सरफेस की क्वालिटी को जाँचते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसके जैसे कि सरफेस टेस्ट की बहुत सारी विधियाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ उसी का एक एग्जांपल है जो है यहाँ पे बात की गई है, सोर स्क्लेरोस्कोप, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायमंड टिप्ड वाले हैमर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का, जिग और फिक्चर का उद्देश्य उत्पादन दर बढ़ाना है। तो जिग और फिक्चर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें मास प्रोडक्शन करनी हो, ठीक है। तो एक कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जिग का प्रयोग होता है, तो यह टूल को गाइड सपोर्ट करता है, ठीक है, गाइड और सपोर्ट करता है, जब लेकिन यह टूल को क्या नहीं कर होल्ड नहीं करता, जबकि फिक्चर का कार्य टूल को होल्ड करना भी होता है, यह टूल को जो गाइड करने का कार्य नहीं करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रोड पर चढ़ाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड का प्रयोग हम वेल्डिंग में करते हैं, इलेक्ट्रोड रॉड आपने सुना होगा नाम, ठीक है, और इसकी लंबाई जो होती है 350 से लेकर के 450 तक मिलीमीटर तक होती है, और इसके ऊपर जो पर चढ़ाने के लिए पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है उसको हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। और यह फ्लक्स और इलेक्ट्रोड का जो साइज जो लिया जाता है, इसके कोर वायर के ब्यास से लिया जाता है, इतना आपको याद रखना है। और जिस वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं उसको हम फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15 नंबर वाला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ठीक है, का अनुपात जो होता है वह 2:1 होता है। यानी कि गैस वेल्डिंग करते समय जब हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं तो उसको हम 2:1 के अनुपात में क्या करते हैं, मिलाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा आपकी अधिक होती है और जो है ऑक्सीजन की मात्रा आपकी एसिटिलीन की मात्रा की कितनी होती है, दोगुनी होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऑक्सीजन से संबंधित और एसिटिलीन गैस से संबंधित एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है और एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का रंग आपका काला, जबकि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग मैरून या लाल रंग का होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के पर थ्रेड जो है राइट हैंड थ्रेड कटी होती है, जबकि एसिटिलीन गैस सिलेंडर के ऊपर लेफ्ट हैंड थ्रेड कटी होती है। ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है।
और वेल्डिंग के समय वेल्डिंग की दीवारों का रंग काला होना चाहिए, ये हम आपको कल की वीडियो में बताए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ जो वेल्डिंग से पूछे जाते हैं आपके, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि हम वीडियो में बहुत स्लो आपको कर रहे हैं और इसमें बहुत सारा आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो लेकिन आप प्लीज़ पेशेंस के साथ में वीडियो को देखिए। आपको अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, लेकिन आपका इसका बेनिफिट जो है आगे आने वाले समय मिलेगा, जब आप एग्ज़ाम में देने जाएंगे, क्योंकि आपके पास एग्ज़ाम में अगर आप पढ़े नहीं रहेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल होता है। और यहाँ पे अगर थ्योरी आपकी कंप्लीट तैयार है तो वहाँ पे आपकी क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं लगेंगे, इसलिए अभी टाइम दीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम आसान हो जाए, वहाँ आपको टाइम ज़्यादा सोचने की जरूरत ना हो, ठीक है। क्वेश्चन देखिए और बस उसको टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और थ्रेड कटिंग के समय स्पिंडल की गति कम रखनी चाहिए, ठीक है, तो जब भी हम थ्रेड कटिंग करें तो उसके समय स्पिंडल की स्पीड जो है इन कंपेयर टू कटिंग हम उसको क्या करते हैं, कम रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें लग रहा है कि अब आगे हमें आगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा, लेथ सेंटर में मोस्ट टेपर प्रदान किया जाता है, ठीक है, तो जो आपका लेथ मशीन का लेथ सेंटर होता है, ठीक है, तो उसमें हमें मोस्ट टेपर दिए जाते हैं और ये आपके 8 साइजों में मिलते हैं, 8 नंबरों मिलते हैं, जैसे कि 0 से लेकर MT7 तक, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन हमारा, लुब्रिकेंट 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड आपका एग्जांपल है ग्रेफाइट हो गया, सोप स्टोन हो गया, ठीक है, ये आपके क्या है, सॉलिड लुब्रिकेंट का एग्जांपल है, जबकि आपका लिक्विड हो गया जैसे कि सोल्यूबल ऑयल हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, और ये आपके क्या कहते हैं, जबका ग्रीस हो गया, यह सेमी लिक्विड का एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा, बेंच वाइज कजा प्लेट टूल स्टील से बना होता है, तो बेंच वाइज की बॉडी जो है आपकी कास्ट आयरन, जबकि इसका टूल जो जा प्लेट होता है यह टूल स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। और यह आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंच वाइज के जा प्लेट बनाए जाते हैं, तो ये आपके सॉफ्ट मेटल से बनाए जाते हैं, इतना आपको याद रखना है, ताकि जो फिनिश किए गए वर्कपीस है उसके ऊपर किसी प्रकार का स्क्रैच वगैरह ना आए, इस वजह से हम उसको क्या सॉफ्ट मेटल से बनाते हैं। या इससे आपसे पूछ सकता है कि इसको किससे बनाया जाता है, कौन से मेटल से बनाया जाता है, तो आप याद रखें कि इसको हम टूल स्टील से बनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेक्सा फ्रेम, ठीक है, हेक्सा फ्रेम आपका माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, ये अभी आप याद रखना है, जबकि हेक्सा ब्लेड जो होते हैं आपके हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बनाया जाता है। हेक्सा ब्लेड की लंबाई 250 मिलीमीटर तक होती है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हेक्सा ब्लेड आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक फ्लेक्सिबल और एक हार्ड, ठीक है, और इसकी सेटिंग जो है आपकी अलग अलग प्रकार से होती है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेथ पर कार्य करने वाले को टर्नर कहते हैं, इनकी जो व्यक्ति लेथ पर कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टर्नर कहते हैं, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन देख करके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप तो कहते हैं कि लेथ हम भी पढ़े हैं, तो लेथ पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं उसको हम फीटर अप कर देंगे या बेंच फीटर को, उसका आप आंसर टिक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, लेथ पर जो व्यक्ति कार्य करते हैं उसको नहीं बेंच क्या कहते हैं, नहीं बेंच फीटर, नहीं फीटर, आप उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहते हैं टर्नर, ठीक है। इसी प्रकार जो व्यक्ति पाइप वगैरह का कार्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पाइप फीटर कहते हैं, ठीक है, तो ये आप इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, टेल स्टॉक का दूसरा नाम लूज हेड स्टॉक भी है, तो लेथ मशीन का आपके दो पोर्शन होते हैं, एक लाइट पोर्शन होता है, एक रेप्ट जो है लेफ्ट होता है, एक रेट राइट होता है, लेफ्ट और राइट दो पोर्शन होते हैं आपके, ठीक है, तो ये जो आपका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक जिसकी आपके, तो आपका हेड स्टॉक जो होता है आपका लेफ्ट पोर्शन होता है और टेल स्टॉक जो होता है आपका राइट पोर्शन में होता है, तो टेल स्टॉक को ही हम क्या कहते हैं, लूज हेड स्टॉक भी कहते हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रेल वैगन के लिए नकल थ्रेड का एंगल थ्रेड का प्रयोग करते हैं, तो रेल वैगन हो या रेलवे की कपलिंग के लिए, ठीक है, हम किसका प्रयोग करते हैं, नकल थ्रेड का प्रयोग करते हैं, और इसका एंगल जो होता है आपका 30 डिग्री होता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सेलर थ्रेड का एंगल 60 डिग्री होता है, ठीक है, तो सेलर थ्रेड हो गया या साइकिल थ्रेड होता है, हो गया, ये थोड़ा सा अनकॉमन आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे अभी तक रिपीट नहीं हुए हैं, तो आप तो एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम को आप देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे 50 to 60 आपके क्वेश्चन जो है कॉमन पूछे जाते हैं, जबकि 30 to 40% आपके बहुत ही मतलब बेसिक लेवल से पूछे जाते हैं, जबकि जो मेरिट जो बनती है, जो आपका कंपटीशन होता है उसके 70 to 80% जो स्कोर कर जाते हैं वहीं आपके क्या होता है, फाइनल सेक्शन हो जाता है। तो कुछ ऐसे अनकॉमन क्वेश्चन जो आपको अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, उन सारे क्वेश्चन को भी हमने इंक्लूड करने का प्रयास किया है, तो आप याद रखेंगे कि सेलर थ्रेड का एंगल जो है आपका 60 डिग्री या साइकिल थ्रेड का एंगल जो है आपका 60 डिग्री होता है। इसके साथ ही BSP, BSF और BSW इन सभी एंगलों का जो है, इन सभी थ्रेड का एंगल भी आपका 55 डिग्री होता है। एक बार पुनः आपको बता दें, BSW, BSF या BS और BSW, BS
सेफ या बीएसपी, ठीक है, इन सभी एंगलों का जो है, इन सभी थ्रेडों का एंगल जो है 55 डिग्री होता है, जबकि बीए थ्रेड का एंगल जो है आपका 47.5 यानी कि 47.5 डिग्री होता है, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन भी हमारा, क्विक रिलीज वाइस के स्पिंडल में बटरेस थ्रेड का प्रयोग होता है, तो भी आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सारे क्विक एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो बटरेस थ्रेड का यहाँ से पूछ सकता है कि बटरेस थ्रेड का यूज कहाँ पे होता है, तो क्विक रिलीज वाइस के स्पिंडल में जो हम बटरेस थ्रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है इतना। तो ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे इसी भी प्रकार का आपको अपडेट मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।